नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बेसन के लड्डू, जो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों, राखी का त्यौहार हो और आप अपने भाई के लिए या बहनों के लिए खुद से ही घर में ही बेसन के लड्डू बनाएं, और उसका टेस्ट भी इतना अच्छा होता है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही हेल्दी और ये अनहाइजीन नहीं होता, जैसे कि बाहर की चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा हेल्दी और हाइजीन नहीं मिल पाती। तो एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। तो देखते हैं हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है, ये लगभग 250 ग्राम है। बूरा ले लें, ये मैंने 1 कप लिया है। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा मीठा या फिर नॉर्मल मीठा भी खाना चाहते हैं तो आप 1.5 कप जरूर डालें। मैं मीठा कम खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप बूरा डाला है, इसे तगार भी कहते हैं। और घी, जितना हम बेसन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम घी भी ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है 200 ग्राम के लगभग। अगर ये कम पड़ेगी तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और बादाम, 20 बादाम और 20 काजू, और इलायची। हम इलायची का पाउडर, यानी पाउडर बना के हम इलायची का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा, इससे क्रंचीपन आएगा हमारे ड्राई फ्रूट्स में, ताकि लड्डुओं में टेस्ट अच्छा बना रहे। हम थोड़ा सा घी डालेंगे और हल्का सा गरम करेंगे, और काजू और बादाम को इसमें हम रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों, इसे आप चाहे तो किसी कूटने वाले इमाम दस्ता से आप दरदरा कूट लें, या फिर मिक्सी के जार में चर्न कर लें। इसे बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना है। तो इस तरह से हम इसको भून लेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है, ये भून चुका है। ध्यान रहे कि ड्राई फ्रूट्स को हम लो फ्लेम पे ही भुने। अब मैं इसे निकाल लूंगी और मिक्सी में चर्न कर लेंगे। इसको ठंडा होने के बाद ही मिक्सी में चर्न करें। अब मैं इसी कढ़ाई में और थोड़ा सा आधा घी डालकर, क्योंकि हमें घी एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है। इसे गर्म करने दें हल्का सा, और ध्यान रहे दोस्तों कि हम मध्यम आंच पर ही बेसन को भूनेंगे। तो घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें धीरे धीरे करके बेसन डालने कर भूनेंगे। एक साथ सारा घी ना डालें, और जैसे ही लगे कि ये ड्राई हो रहे हैं, एकदम सूखा सूखा लगने लगे, तो घी साथ के साथ आप डालते जाएं। इस तरह से सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने घी अच्छे से बेसन में मिला लिया है, इसे मध्यम आंच पर ही हम भूनते रहेंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउनिश ना हो जाए। हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगेगा, तब तक हमें इसे इसी तरह से भुनना है। तो इसी तरह से हम चलाते हुए इसे भुनेंगे। इसे भुनने में कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखें कि हमेशा लो फ्लेम पे ही भुने, अदरवाइज ये जल्दी भुन जाएगा, रेडिश दिखने लगेगा और अंदर से ये भुनेगा नहीं, कच्चापन ही रह जाएगा इसके अंदर, बेसन का कच्चापन ही रह जाएगा। चंड कर लिया है, अब इसी में हम इलायची पाउडर भी डाल लेंगे। आप लगभग आधा चम्मच इलायची पाउडर 200 ग्राम यानी 250 ग्राम लगभग बेसन में ज़रूर डालें। जिनको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद या कम पसंद, वो अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल लें अपने स्वाद अनुसार। और एक साइड हमारे बेसन भून रहे हैं, इसे बीच बीच में हमें भूनते रहना है। ये जब ऑयल एकदम से सेपरेट हो जाए, यानी ऑयल और बेसन अलग हो जाए, तो हम इसे
तब तक भून लेंगे। तो हम इस तरह से चलाते हुए इसे भून लेंगे। ध्यान रहे कि दोस्तों इसे आप छोड़े ना कढ़ाई में, कि अपने आप भून जाएगा। इसे चलाते ही रहे कंटिन्यूअसली, इससे आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। और मैं आज आपको दानेदार लड्डू घर में ही कैसे बनाया पाएंगे ये भी मैं आपको बता दूंगी। थोड़ा सा बस आप वेट कीजिए, इसे ही हम दानेदार लड्डू बनाएंगे इन्हीं बेसन से। दोस्तों ये किस तरह से अलग से नज़र आने लगी है, ये फैल सा गया, एकदम लिक्विड फॉर्म में आ चुका है ये। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे, ताकि इसका सोंधापन, बेसन का फ्राई होने के बाद आपको इसका एक और पहचान है, बेसन के सोंधेपन की खुशबू आने लगेगी। और दोस्तों जैसे कि हम सभी को लड्डू देखते ही थोड़ा सा ब्राउनिश होता है तो कहते हैं अच्छा ये वाला बेसन का लड्डू तो बहुत ही टेस्टी होगा, तो इसे हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो उसी तरह से हम हल्का सा ब्राउनिश होने तक इसे भून लेंगे, ताकि हमारे लड्डू एकदम मार्केट जैसे बने। और कोई आपसे पूछने के लिए ये बेताब हो जाए कि कौन से ब्रांड का लड्डू है। तो आप घर में ही ब्रांडेड लड्डू कैसे बनाएंगे ये देख ले आज आप, और इसी तरह से आप अपने घर में जरूर बनाएं। तो देखिए दोस्तों कैसे थिक सा बेसन, एकदम गाढ़ा सा बेसन एकदम लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें हम कुछ बूंदे पानी डालेंगे, जिससे कि इसमें लड्डूएं हमारी दानेदार बनेंगी। तो इस तरह से ले हाथ में, और इस तरह से अब हम इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। एकदम से उफान आएगा और धीरे धीरे 2 से 3 मिनट तक हम इसे और भुनेंगे। इसी तरह से हमारे पानी डालने से ये लड्डू बेसन के दानेदार होते हैं। तो हम इसे 2-3 मिनट और भून लेंगे। पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट भूनने के बाद देखिए इसका कलर एकदम से चेंज होने लगा है। ये भूनकर हमारे बेसन तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालकर इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे बेसन भुनकर तैयार हैं, ये देख लीजिए इस तरह से भून लें। दोस्तों टाइम इतना मैटर नहीं करता, कई बार हमारे हम फटाफट बनाने की कोशिश में आंच को तेज कर देते हैं यानी फ्लेम को, तो वो जल्दी भुन जाता है। पर ध्यान रहे कि फ्लेम लो फ्लेम पर ही भुने, जिससे कि हमारे बेसन अच्छे बनेंगे। क्वांटिटी, बर्तन, ये सब मैटर करता है, इसलिए ध्यान रखें कि हमें बेसन को इतना ऐसा कलर आने तक भून लेना है। बस इसे मैं बंद कर दूंगी और एक बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल दूंगी। तो दोस्तों मैंने इस तरह से इसे मिलाते हुए इसे ठंडा कर लिया है। ध्यान रहे कि गरम में बूरा बिल्कुल ना डालें, वरना ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे। दोस्तों आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, मैंने इसे देसी घी में बनाया है। आप अपने मनपसंद किसी भी ऑयल में इसे बना सकते हैं। एकदम ध्यान रहे कि इसे ठंडा होने के बाद ही हम इसमें बूरा डालें। ये इस तरह से अब छूने लायक हो चुका है, बर्दाश्त लायक। तो इसमें हम इलायची पाउडर और ये ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। तो दोस्तों मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मिला लिए हैं। अब इस स्टेज पे मैं बूरा डाल दूंगी। बूरा किसी भी राशन की दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप बूरा की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, तो मैं बूरा की रेसिपी भी अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करूंगी। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। सर बूरा, इलायची पाउडर, तो ये हमारे एक अच्छा सा लड्डू दानेदार बनकर तैयार हो जाएगा।
तो इस तरह से सारी सामग्री बनाने मिलाने के बाद हम एक एक करके लड्डू बना लेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा शेप जितना बड़ा देना चाहते हैं लड्डू का दे सकते हैं। ध्यान रखें हल्के हाथों से टाइट एकदम प्रेस करते हुए इस तरह से लड्डू बना लें। आप इस पे चाहे तो ड्राई फ्रूट्स डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से हम सारे लड्डू छोटे बड़े साइज अपने अकॉर्डिंग बना करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे बेसन के दानेदार लड्डू बनकर तैयार हैं। एक बार इसे आप अपने घर पर जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। टोटल बेसन के 9 लड्डू बनकर हमारे तैयार हुए हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि ये कम से कम 6 से 7 घंटे तक आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही रख कर इसे स्टोर करके 1 महीने तक आप इसे खा सकते हैं। इसे ट्रैवल करने में ले जा सकते हैं। दोस्तों ये रेसिपी और ये डिश बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बिहारी खाना चैनल आप लोग इसी तरह से देखते रहें। अगर आप लोगों को कोई रेसिपी चाहिए जो कि आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।